हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर सेफ एंड साउंड सो इन दिस इंग्लिश क्लास वी विल रीड अ चैप्टर नंबर टेन एंड इट्स नेम इज़ द कैलिबस किड्स एंड इट इज़ रिटन बाय एरॉन शेफर्ड विच इज़ अ अवार्ड विनिंग ऑथर सो दिस इज स्टोरी ऑफ अ लेडी हुज नेम इज़ शिंडो ओके तो पहले मैं आपको बता दूँ कैलेबस होता क्या है कैलेबिस इज़ एक्चुअली बॉटल गोर्ड जिसको हम लोग की बोलते हैं तो कैलेबस वो होता है और ये एक अफ्रीकन वर्ड है ओके सो दिस इज़ अ रो प्ले जो हमारा चैप्टर है वो एक प्ले है नाटक है ठीक है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हैं नैरेटर्स हैं इसमें वन टू फोर मीन्स फोर नैरेटर्स हैं शिंडो है जिसके मैंने बताया कि एक स्टोरी है चीफ टेन है और सेवन चिल्ड्रन हैं ठीक है थीके? तो ये पूरा चैप्टर है मैं आपको इस चैप्टर की समरी आ, मैं बताते चलूंगी आपको आप इस चैप्टर को रीड करते हुए चलेंगे ठीक है तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें नैरेटर वन बोल रहा है ठीक है मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताती हूँ क्लियर सो वंस देयर वाज़ ए वुमेन नेम्ड शिंडो एक लेडी होती है जिसका नाम शिंडो होता है हु लिव्ड इन अ विलेज एट द फुट ऑफ अ स्नो कैपर्ड माउंटेन वो मीन्स जो माउंटेन था नीदरलैंड है यहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन है वहाँ उसके बिल्कुल हिली पार्ट में वो रहती थी ओके okay. एंड शी हैड नो चिल्ड्रन उसके कोई बच्चे नहीं थे शी हैड नो वन टू हेल्प हर विद हर चोर्स उसके जो घर के काम होते थे, थे कोई भी नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए ओके नाउ नारेक्टर थ्री सेंग एट द एंड ऑफ ईच डे शिंडो प्रेयर मीन्स शिंडो डेली ये प्रे करती थी शाम को ठीक है किस को प्रेयर करती थी ग्रेट माउंटेन स्पिरिट माई वर्क इज सो हार्ड सैंड मी हेल्प ठीक है वो कहती थी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है uh, मे मेरी कोई हेल्प करने के लिए भेज दो सो नैरेक्टर वर्नी सिंग वन डेडोवाज शिंडोवाज वीडिंग हर स्मॉल फील्ड बाय द रिवर वेयर शी ग्रू वेजिटेबल्स एंड बनानाज एंड गोड्स ठीक है एक बार क्या कर रही थी शिंडो काम कर रही थी अपने स्मॉल फील्ड में वीडिंग कर रही थी वीडिंग तो पता होगा ना वो वीडिंग मीन्स जो अनवॉन्टेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव कर रही थी ठीक है और उसने अपने फील्ड में क्या क्या ग्रो किया था वेजिटेबल्स बनानाज एंड बनाना गोट्स नाउ नेक्स्ट लाइन सडनली अ नोबल चिफ्टेन अ पियोर डिसाइडर यहाँ पे जो चिफटेन है वट इज़ द मीनिंग ऑफ चिफ्टेन द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है एक लीडर है वो आए उनके सामने तो चिफ्टेन ने क्या बोला उनको डू यू नो हू आई एम दैन शिंडो साइड नो आई डोंट नो दैन चिफ्टेन आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स पीरियड चिफ्टेन ने अपने आपको एड्रेस किया कि मैं मैसेंजर हूँ किसका ग्रेट माउंटेन्स पीरियड का जिससे तुम डेली प्रेयर करती हो देन ही हैंडेड द एस्टोनिश्ड वुमेन सम गॉड्स सीड्स उन्होंने uh, उस वुमेन को कुछ गॉड सीड्स दिए मीन्स कुछ लौकी के सीड्स दिए एंड द मीनिंग ऑफ एस्टोनिश्ड इज वेरी सरप्राइज बिकॉज द लेडी वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट चिफटेन नाउ चिफ्टेन उसको क्या बोलते हैं प्लान दिस केयरफुली दे आर द आंसर टू योर प्रेयर तो उसने बोला कि इनको प्लांट करना तुम जो डेली प्रेयर करती हो ना तो जो हमारे जो लीडर हैं जो सॉरी जो हमारे माउंटेन स्पिरिट हैं उन्होंने मुझे ये दिए हैं ताकि इनसे तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके देन शिंडो स्केप्टिकली प्लांटेड द सीड्स एंड टेंडेड दैम वेल्स द मीनिंग ऑफ स्केप्टिकली मीन्स वेरी सरप्राइज ठीक है शिंडो ने वो सीड्स ले लिए और घर जाके उनको प्लांट कर दिया और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लग गई ठीक है आई हो आप कुछ को आ, जो चैप्टर है उसकी स्टोरी समझ आ रही होगी नाउ नेक्स्ट सो इन जस्ट अ वीक लॉन्ग वाइन्स ट्रेल्ड ओवर द ग्राउंड एंड सेवन राइप गोड्स हंग फ्रॉम देम ठीक है मीन्स कुछ ही हफ्तों में जो सीड्स से वो जर्मिनेशन उनमें स्टार्ट हो गई और उनसे क्या बन गई वाइन्स वाइन्स होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं ठीक है बेल निकल गई और उनमें सेवन गोड्स निकली ठीक है उन पर फ्रूट लग गया और वो क्या थी गोड्स शिंडो अब्रॉट द गोड्स होम एंड लेट दैम ऑन द राफ्टर्स ऑफ हर हट टू ड्राई अब शिंडो उन गोड्स को ले आई और उनके जो राफ्टर्स होती हैं जो हट पे ऐसे स्लॉप डाउन जो उसकी छत होती है ना उसको राफ्टर्स बोलते हैं आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको राफ्टर्स दिख जाएंगे ठीक है स्लॉप वाली होती है छत हट जो तो पे स्लोप होती है उस पर स्लॉप होते हैं तो उसने वहाँ पर उनको डाल दिया ताकि वो क्या हो जाए ड्राई हो जाए ओके okay? उसके बाद क्या हुआ उसके बाद देखते हैं अभी क्या हुआ चैप्टर में द नेक्स्ट मॉर्निंग शिंडो वेंट ऑफ अगेन टू टेंड हर फील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से शिंडो ने आ, अपने खेत में चली गई बट मीन वाइल बैक इन द हट लेकिन जब वो अपने फील्ड में गई थी तो पीछे से क्या हुआ उसकी हट में कुछ सरप्राइजिंग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सा कुछ हैपन हुआ और वो क्या था गोड्स बिगिन टू चेंज जो उसने गोड्स रखे हुए थी इतने थी। अपने डॉक्टर पे ड्राई होने के लिए उनमें चेंज होने लगे दे स्प्राउटेड हेड्स एंड लिम्स उनके हेड्स निकलाए लिम्स निकलाएस मीन्स उनके हैंड्स और लेग्स निकलाएं उनमें सोन दे टर्न इन टू सेवन चिल्ड्रेन वाओ और वो किस में चेंज हो गई जो उनके गोड्स है चिल्ड्रेन में ठीक है देखो पिक्चर में डॉक्टर्स ऊपर से दिख रहे हैं आपको जो बच्चे हैं वो अपने हैंड्स नीचे लटकाए हुए हैं और नीचे भी एक गॉड बैठा है चेंजेस इनटू अ विच चेंज इनटू अ चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट पेज वन डे ले ऑन द ग्राउंड अच्छा ये जो uh, कैलिवेश है ना मीन्स जो उनकी जो uh, शिंडो लेकर आई थी गोड्स उनमें से ये uh, बच्चे ट्रांस वो दे टर्न इनटू चिल्ड्रन। ठीक है सो वन डे ऑन द ग्राउंड वेयर शिंडो हैड कैप्ट अ फाइन गोड द अदर चिल्ड्रेन कॉल्ड टू हिम फ्रॉम द राफ्टर्स ठीक है एक बच्चे को एक बच्चा भी बोल सकते हैं एक गॉड भी बोल सकते हैं जो शिंडो थी उसको नीचे रखे गई थी तो कुछ ऊपर थे सिक्स ऊपर थे तो वो ऊपर से उसको चिल्लाने लग गए थे क्या बोल रहे थे किट टिटी कम हेल्प अस वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम डाउन टू द ग्राउंड ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू हेल्प मदर विद हर वर्क तो वो उस बच्चे को जो नीचे बैठा हुआ था उसको क्या बोल रहे थे किटिटी कम हेल्प अस यानी किटिटी प्लीज हमारी हेल्प कर दो हमें भी ऊपर से राफ्टर से नीचे उतार दो क्योंकि हम भी मम्मा की हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे मम्मा कौन है शिंडो किटिटी हेल्प हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डाउन फ्रॉम द राफ्टर्स अब किटिटी ने हेल्प की अपने ब्रदर सिस्टर की और उनको नीचे उतारा देन द चिल्ड्रेन स्टार्टेड क्विकली ऑन द चोर्स ठीक है अब बच्चों ने सारा काम फिनिश कर दिया जो भी मम्मा छोड़ के गई थी वेन द वर्क वॉज डन किट टी हेल्प द अदर्स क्लाइम बैक ऑन द राफ्टर जब सारा उनका वॉक फिनिश हो गया तो किटीटी ने उनको वापस राफ्टर्स पे चढ़ा दिया शिंडो कैप द चिल्ड्रन एज हर ओन विध हेल्प ऑफ हर चिल्ड्रन शिंडो सून बिकम रिच विद मैनी फील्ड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड बनानाज एंड फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गॉड्स अब शिंडो तो बहुत हैप्पी थी क्योंकि उसके पास पहले वो हेल्प चाहती थी और अब उसके पास कौन है सेवन चिल्ड्रेन है उसकी हेल्प करने के लिए और धीरे धीरे वो क्या हो गई बहुत ज़्यादा रिच हो गई ठीक है बहुत सारा फील्ड्स हो गए उसके बहुत ज़्यादा कैटल हो गए ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी हेल्पफुल बट किटी वाज अ बिट स्लो एंड सिंपल ठीक है जो बाकी सिक्स चिल्ड्रन थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे बहुत शिंडो का वर्क कर देते थे लेकिन जो किटी था थोड़ा सा लेजी था वो थोड़ा सा सिंपल था बहुत स्लो भी काम करता था वो इनफैक्ट किटटी वाज रियली शिंडो फेवरेट बिकॉज ही हैड द स्वीटेस्ट नेचर ठीक है वो बेशक थोड़ा स्लो था सिंपल था लेकिन वो शिंडो का फेवरेट था क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट था ओके सो बट समटाइम्स वेन शी वॉज टायर्ड और अनहैप्पी अबाउट समथिंग एल्स शी वुड गेट अनवॉय एंड गेल एट हिम फॉर बींग स्लो ठीक है लेकिन क्या होता था कभी कभी शिंडो जब अनहैप्पी होती थी या अनवेल होती थी तो वो अपना गुस्सा किस पर निकालती थी किट टी पे निकालती थी क्योंकि वो उसका फेवरेट था अब जो फेवरेट होते हैं उन्हीं पे अपना गुस्सा निकाला जाता है ओके <coughs> okay, तो वो क्या कहती थी उसको स्टुपिट बॉय हैवेंट आई टोल्ड यू टू स्टेप आउट ऑफ माई वे बट वट कैन आई एक्सपेक्ट यू आर नॉट अ रियल चाइल्ड एट ऑल वो उस पर येल करती है और है स्टिट बॉय मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम आ, मेरे रस्ते से हट जाओ या फिर ठीक <coughs> है मेरे से थोड़ा तो तो दूर रहो तुम रियल के चाइल्ड नहीं हो ठीक है द वेरी नेक्स्ट मोमेंट किटी टी टर्न इंटू अ गॉड जैसे ही मम्मा ने ऐसे बोला शिंडो ने ऐसे बोला और किटीटी किसमें चेंज हो गया इंटू अ गोड वापिस से वो गोड बन गया अब शिंडो क्या करती है थोड़ी सी शॉकिंग होती है बहुत ज़्यादा <coughs> बोलती है वट हैव आई डन आई डिडेंट मीन वट आई सेट यू आर नॉट अ कैलेब यू आर माई ओन डार्लिंग सन अब किटीटी बहुत रिलैक्ट फील करती है बहुत ज़्यादा पछताती है और कहती है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया तुम तो मेरे फेवरेट सन थे ठीक है मैं आगे से तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाली हूँ अब शिंडो कहती है ओ चिल्ड्रन प्लीज़ डू समथिंग अब वो बाकी जो उसके सेवन सिक्स चिल्ड्रन होते हैं उनको उनसे हेल्प मांगती है कि प्लीज़ कुछ करो द चिल्ड्रन कॉल्ड आउट फॉर देयर ब्रदर लविंगली अब वो जो बाकी बच्चे थे वो भी अपने ब्रदर को बुलाते हैं ठीक है कि काश वो वापस आ जाए किटिटी कम हेल्प अस आवर फेवरेट ब्रदर देन स्लोली द गोड बिकम किटी अगेन फिर वापस धीरे से जो गोड़ थी वो किस में चेंज हो गई किटी में ठीक है अब शिंडो एंड चिल्ड्रन एक साथ बोलते हैं उनको किटी अब शिंडो ने एक लेसन इससे क्या सीखा कि वो कभी भी दोबारा से उन चिल्ड्रन को गोड़ नहीं बोलेगी वो उन्हें अपना अपने चाइल्ड चिल्ड्रन ही मानेगी ठीक है एंड सो दे गेव हर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस ऑल द रेस्ट ऑफ आर डेज ठीक है सो आई होप यू एन्जॉय द चैप्टर और कोशिश करना कि जो प्ले है इसको पढ़ना और जब हम स्कूल में मिलेंगे तो हम इस, इसको एक इस पर एक प्ले करेंगे ओके okay?